गुड मॉर्निंग। तो कितने स्टूडेंट हैं जो अपनी पिछली बैच में थे और अभी फिर हैं? 1, 2, 3, 4, 5। नहीं, मेरे स्टूडेंट कौन नहीं थे, वो कोई है यहाँ पे? दोज हु वर नॉट माई स्टूडेंट बट स्टिल हियर। चलो कोई बात नहीं। इधर कोई जो मेरे स्टूडेंट नहीं थे पहले और अब हैं? आज हम सिर्फ एक इंट्रो ले रहे हैं कि कैसे हम अपनी बैच को पूरा करेंगे। कल से हम बिल्कुल रेगुलर इस बैच को, अभी ये बैच करीब 10 दिन, हार्डली 10 डेज, 10 दिन ये बैच चलेगी 1.5 घंटा, और उसके बाद ये बैच चलेगी 2.5 घंटा। जिन भी नाटक के स्टूडेंट को फ्री में आना है, उन्हें नाटक एकेडमी आना है और आकर के पढ़ना है। दैट इज फ्री फॉर देम, नो चार्जेस एट ऑल विल बी पेड बाय यू बिकॉज यू हैव पेड वंस। बट ऑनलाइन में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। पहली बात, जो लोग यहाँ आएंगे उन्हें रेगुलर यहाँ आना पड़ेगा। नो बैकअप्स विल बी अवेलेबल फॉर देम। ये हमारी पॉलिसी है कि भाई आपको यहीं आना है, पूरा पढ़ना है, और बैकअप जो है इट वॉन्ट बी अवेलेबल। यहाँ अगर आप आते हैं, रोज मैं पढ़ा रहा हूँ, आप रोज आके पढ़ते हैं, देर विल बी नो फीस चार्ज। बट ड्यू टू इंटरनल कंट्रोल पर्पस, कि ऑडिट में पढ़ाऊं और इंटरनल कंट्रोल भी ना लगाऊं तो अच्छा नहीं लगता। फॉर द इंटरनल कंट्रोल पर्पस वी हैव डिटरमाइंड दैट दिस। अब इस क्रैश कोर्स के बारे में अपन बात कर रहे हैं। ये क्रैश कोर्स ना बोलकर इसको अपन क्या बोलेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड बैच। इस एग्जाम ओरिएंटेड बैच के अंदर मुझे आपको सॉल्व करवाना है क्वेश्चन एंड आंसर। फंडामेंटल्स तो मैं क्लियर करूंगा, बट फंडामेंटल क्लियर करूंगा थ्रू क्वेश्चंस एंड आंसर्स, सो दैट अपने इतने क्वेश्चन एंड आंसर्स हो जाएं कि अपने को फिर कहीं कोई दिक्कत ही ना है। पढ़ा तो एक बार सबने है, जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा है वो भी, और जिन लोगों ने मुझसे नहीं पढ़ा है वो भी। एवरीबडी, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, कितने लोग हैं जिन्होंने मुझसे नहीं पढ़ा है एंड यू हैव यू आर नाउ कमिंग फॉर दिस पर्टिकुलर बैच? ऑनलाइन ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने मुझसे नहीं पढ़ा है लेकिन आप आए हैं? जस्ट टेल मी बाय ऑन चैट, आप मुझे बता दें। चैट पर आप लिख दें मी, तो मैं समझ जाऊंगा, ताकि मुझे आपको फिर कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट देना होगा तो वो देना पड़ेगा ना। ओके जितेंद्र, शुभम, एनीवन एल्स जो पहली बार मुझसे पढ़ रहे हैं, उनको मेरे को थोड़ा सा स्पेशल केयर करनी पड़ेगी। हर्षित सर को भी बताना पड़ेगा कि ये बच्चे मुझसे पढ़े हुए नहीं है। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स मूव। अभी तो मोमेंटम बनेगा जब मेरा पढ़ाना शुरू होगा। आइए, चैप्टर अपना नाम क्या है? ऑडिटिंग एंड एथिक्स। पेपर आप सब लोग दे चुके हो, इसलिए आपको मालूम पड़ गया कि भाई साहब रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन। अगर आप कह रहे हो कि आरटीपी कर लो, सजेस्टेड आंसर लगा लो, मॉड्यूल के क्वेश्चन लगा लो, तो आपसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में दूसरा कोई है नहीं। पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन लगा लो, तो आप समझ लेना बाबू कि दुनिया में अपने से बड़ी मूर्खता कुछ और हो ना पाएगी, क्योंकि रिपीटेशन के नाम पे यहाँ कुछ भी नहीं है। ना यहाँ होता है ना इनकम टैक्स में होता है, और साला इनकम टैक्स में भी हर बार क्वेश्चन जो है नए निकाल के लाता है। देखा आपने, इनकम टैक्स का पेपर भी आपने दिया है, वहां भी यही होता है। ऑलवेज ही कम्स विद
न्यू क्वेश्चन, हमेशा नए क्वेश्चन। गॉट माय पॉइंट? तो हमको एक एबिलिटी डेवलप करनी है। किस बात की? इस बात की एबिलिटी डेवलप करनी है मालिक कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर सके। अपनी कंसेप्चुअल एबिलिटी तो अपनी डेवलप्ड है, अरे कहीं नहीं जाएंगे रे, सब यही है। नहीं बच्चे क्या दे दे, सब नहीं बच्चे उसको दे दो, वो सब करवा लेगा। तुम तुम्हारी इस क्लास का चार्ज इसको दे दो, ये कर देगा सब। नाउ रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन तो यहां होता ही नहीं है। अच्छा, आपने अब ये भी देख लिया कि डायरेक्ट क्वेश्चन कितने आए। चीख चीख के बोले थे कि डायरेक्ट क्वेश्चन हम देंगे करीब करीब 30% से 50% के बीच में डायरेक्ट दिए, लेकिन वो भी इनडायरेक्ट तरीके से दिए। बिल्कुल सही बात है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी लगभग नीली थे। किसने बोला आपको कि ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट लिख दो, या स्कोप ऑफ ऑडिट लिख दो, या एडवांटेजेस ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट लिख दो, या ये लिख दो या वो लिख दो? कहाँ, कोई कुछ नहीं था, पेपर आपके सामने था। अच्छा, तीसरी बात, हम ट्रू और फॉल्स बिल्कुल नहीं पूछेंगे, ये तो पहले ही क्लियर हो गया था कि नहीं पूछेंगे। फिर बोला था हम एमसीक्यू पूछेंगे, कितने मार्क्स के आए थे। एमसीक्यू में एक बड़ा क्वेश्चन होगा और बाकी छोटे होंगे, मतलब पांच तो डिफरेंट होंगे और पांच एक ही क्वेश्चन का हिस्सा होंगे, यही हुआ था। मतलब इसमें भी एक आएगी केस स्टडी और एक आएंगे रिटेल छुट्टे, तो पांच यहां होते हैं, पांच यहां होते हैं, और होते हैं साले कितने कितने के हैं, नहीं सॉरी, कितने क्वेश्चन आए थे? 15। हेलो, 15 क्वेश्चन आए थे ना, दो दो नंबर के। और अगले कौन से थे? दो केस स्टडी थी और एक 5 नंबर का था, या एक केस स्टडी और 10 छुट्टे थे? दो केस स्टडी थी 5 5 नंबर की और एक 5 नंबर छुट्टा था, यही हुआ। अब आ गए अपन किस पर? दो केस स्टडी पर। यानी मुझे और आपको अब यहां पर क्या करना है? पूरी प्रैक्टिस करनी, दो केस स्टडी एक रिटेल आपको डेली अवेलेबल करवाए जाएंगे ऑडिट के क्वेश्चंस। इज दैट क्लियर ना? जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ाने के बाद यू नीड टू वर्कआउट इट डेली। ये मेरा प्रोडक्ट बहुत अलग है डिटेल्ड बैच से। इसका नाम क्या रखा है अपन ने? एग्जाम ओरिएंटेड बैच। अभी मैं आपको उस तरीके से नहीं पढ़ाने वाला हूं जिस तरीके से मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया है, ये बैच अलग है। ओके, आप आगे आइए, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमको कितनी कितनी चीजों को करने में कितना कितना टाइम लगेगा। हमारे पास यूनिट कितनी है? इसमें स्टैंडर्ड से रिलेटेड यूनिट कौन सी है? ये सारी स्टैंडर्ड से रिलेटेड यूनिट्स। ये आपने दे दिया ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये नौवीं यूनिट आपने दे दी वेरियस ऑडिट्स, 10वीं यूनिट आपने दे दी बैंक ऑडिट, 11वीं यूनिट फिर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग से रिलेटेड दे दी, है ना? अब अपने को कितना टाइम लगेगा थ्योरी में और प्रैक्टिकल में? देखो, यूनिट वन बेसिक होने के साथ साथ बाकी सारी चीजें करने के लिए थियरी में ही अपने को लग जाएंगे कितने आवर्स?
3 घंटे के अंदर अपन स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का यूनिट नंबर 1 खत्म कर देंगे। उसके बाद 1 घंटे में अपन करेंगे कौन सी यूनिट खत्म, 11वीं। क्लियर। इसके बाद सेकेंड यूनिट अपनी खत्म होगी 2 घंटे में, थर्ड यूनिट अपनी खत्म होगी 2 घंटे में, फोर्थ यूनिट बहुत बड़ी है इसको खत्म करने में लगेंगे 7 घंटे, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपन खत्म करेंगे 3 घंटे में, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग की 6वीं यूनिट 1 घंटे में खत्म हो जाएगी, 7वीं यूनिट अपनी है ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 3 घंटे में खत्म हो जाएगी, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 8वीं यूनिट है रिपोर्टिंग की इसको अपने को लगेंगे 5 घंटे, वेरियस ऑडिट में अपने को लगेंगे कम से कम 5 घंटे क्योंकि उसमें गवर्नमेंट ऑडिट भी आ जाता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट भी आ जाता है और सब आ जाता है, और यहां अपने को लगेंगे फिर से 3 घंटे। तो मेरे प्यारे बच्चों टोटल कितने आवर्स हुए पहले तो आप वो काउंट करो, हाउ मेनी आवर्स वी आर, और अब अपने पास कितने घंटे बचे हैं, 25, ये मिलाकर कितने हो जाएंगे 60, इतने ही आवर्स अपने पास हैं रोज के, मतलब टोटल। अभी चल रहा है कौन सा जुलाई, 18 है ना, 19 जुलाई से अपनी विधिवत बैच चालू हो रही है। मैं आपको पहले प्लान बता दूं, आपको जमे तो आप अपना टाइम वेस्ट करो, नहीं तो इन्वेस्ट करो। भैया आपको बहुत क्लियरली बता दूं ना मैं क्या करवाने वाला हूं कि अब 60 दिन में क्या हो सकता है, वो बेस्ट मैं आपको करवा रहा हूं। अच्छा, ये 25 घंटे मैं आपको करवाने वाला हूं क्वेश्चंस, एक मिनट, 3 घंटे ये 8वीं यूनिट को, 5 घंटे दिए इसको, 2 घंटे और देना पड़ेंगे एंड दैट वुड बी ऑफ कारो, 2 घंटे की कारो अलग होगी, है ना। ये पूरी बैच एक अलग प्रोडक्ट, गॉट इट, इट हैज नथिंग टू डू विद दोस बैचेस जो वहां चल रही हैं। ये हम आप मान के चलिए कि 1.5 घंटा रोज उसमें से हमारा आउटपुट निकल के आ जाएगा 1.25 घंटा, ये मैंने ग्रॉस बताया, नेट तो 60 आवर्स से कम में ही खत्म हो जाएगी। अच्छा, प्रैक्टिकल हम कितने करेंगे, तो बेटा जितने मॉड्यूल में दिए हुए हैं TYU, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, वो तो अपने को करना ही है, प्लस साथ में करने हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो अपने को दिए हैं कहां, मॉड्यूल में, है ना, प्लस अपनी जो नई RTP आएगी उसको भी अपन सॉल्व करेंगे, लेकिन सॉल्व करने के लिए और प्लस मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क में भी दूंगा आपको। देखो पहले से ही डिसाइड करके दे दूंगा, आज जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो आज मैं बोल दूंगा बेटा आज मैंने इतना पढ़ाया, इसके TYU और क्वेश्चन दोनों आपको लिखना है घर पे। देखो जो लोग सिर्फ सेकंड, कितने लोग सिर्फ सेकंड ग्रुप दे रहे हैं, वेरी गुड, सभी सिर्फ सेकंड ग्रुप वाले हैं इधर भी, एवरीवन, यार अपने पास बहुत टाइम है ना, तो मैं जितना पढ़ा रहा हूं उतना आपको घर पे लिख लेना है, मतलब वही आपकी ऑडिटिंग की पढ़ाई है। बोध ग्रुप देने वाले बच्चों आपको मैं ये नहीं कहूंगा कि आप वापस से पूरा लिखो, जो सिंगल ग्रुप दे रहे हैं वो लिखेंगे, आप सिलेक्टिव क्वेश्चन कर लो, मैं आपको सिलेक्टिव क्वेश्चन दे देता हूं, आप वो सिलेक्टिव क्वेश्चन कर लो, उससे ज्यादा मत करो, ठीक है, गुड। तो अब जितने TYU हैं और जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन है प्लस RTP प्लस होमवर्क, और इसके बाद आएगा आपका HD, वो भी आपको सिलेक्टेड क्वेश्चंस करवाएगा, HD विल बी देयर, जो आपको हर्षित आएगा वो भी आपको सिलेक्टेड क्वेश्चंस करवाएगा, उस तरीके से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। मॉड्यूल
क्या हम मॉड्यूल से पढ़ेंगे? मैंने आपके लिए स्पेशल नोट्स बनवाए हैं एग्जाम ओरिएंटेड, जो मॉड्यूल का ही समराइज्ड फॉर्म है. इज दैट क्लियर? वो नोट्स मैं आपको दूंगा. फिजिकली आने में उसको भी 2-3 दिन लगेंगे, बट नॉर्मली तो आपको वो मैं दे ही दूंगा. तो ये है एक तरीका जिससे कि हम आगे बढ़ने वाले हैं. इज दैट क्लियर? इंपॉर्टेंट ये है बंधु कि आप जितना हो सके, मैंने टाइम ही ऐसा रखा है जिस पर घर पे कोई पढ़ाई नहीं होती, 4:30 से 6:15 तक का टाइम आपका रहेगा. इस समय आपकी कोई पढ़ाई कहीं होती नहीं है, ठीक है. संडे को मैं आपको बिल्कुल फ्री रखूंगा ताकि आप लोग अपना पूरा काम कर सकें अच्छे से. आई एम नॉट गोइंग टू बॉदर यू ऑन संडेज. संडेज को आपको आप अपने दूसरे सब्जेक्ट को दिन भर पढ़ें, सिर्फ यहाँ आने के लिए आए तो वो दैट आई डोंट वॉन्ट. संडे आपको फ्री रहेगा. चलिए तो अब हमको शुरू करना है. तो कैसे शुरू करेंगे वो आप बताएंगे. अगर आप चाहते हैं कि सर एक काम करो, पहले नॉन टेक्निकल पढ़ा दो फिर टेक्निकल पढ़ा दो, तो आई विल टीच कि पहले नॉन टेक्निकल पढ़ा देता हूँ फिर टेक्निकल पढ़ा देता हूँ. और आप अगर बोलते हो कि नहीं सर पहले टेक्निकल ले लो फिर नॉन टेक्निकल ले लो, तो वो आप डिसाइड कर लो. क्या चाहते हो आप? पहले स्टैंडर्ड से ही पढ़ना चालू करें, वही कमजोर हैं बाकी हो जाते हैं, या स्टैंडर्ड तो हो जाते हैं बाकी कमजोर हैं तो उनको. देखो ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, इस ये आप लोगों के हिसाब से चलेगी. या मैं फिर अपने हिसाब से बेस्ट सूटेड सीक्वेंस में पढ़ा दूं, तो मेरा सीक्वेंस मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या है. मेरे सीक्वेंस में जो चीजें आएंगी वो कैसे आएंगी, सबसे पहले मैं लूंगा चैप्टर नंबर 1, यहीं से चालू करता हूं ताकि किसी को कोई दिक्कत ही ना आए. फिर मैं लूंगा 11, फिर मैं लूंगा 6, फिर मैं लूंगा 4, फिर मैं लूंगा 5, फिर मैं लूंगा 7 के बाद 8, उसके बाद मैं लूंगा ये, फिर मैं लूंगा ये, फिर मैं लूंगा ये, और फिर मैं लूंगा ये, और फिर मैं लूंगा ये. दैट वुड बी माय बेस्ट सीक्वेंस. बाद वाले भी हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है. 2 टेक्निकल अपन ने बाद में रख लिए. देखो तुम ही बताओ, तुम ही ने पेपर दिया, स्टैंडर्ड का वेटेज अपने आप में तगड़ा वेटेज था, तुम सबने देखा है. स्टैंडर्ड के कारण ही तो लोगों के पेपर बिगड़ते हैं. स्टैंडर्ड का वेटेज तुम लोग देखकर आए हो पेपर में, मैं क्या बताऊं तुमको. जब तुमने स्टैंडर्ड देख ही लिया है तो फिर क्यों परेशान होते हो. लेट्स मूव, भूल जाओ अपन ने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, कैसे पढ़ा कैसे नहीं पढ़ा. जस्ट लीव इट, कम अगेन. गॉट इट? सो अब हम बढ़ेंगे यूनिट नंबर 1 पर. यूनिट नंबर 1 के नोट्स मैं आपसे शेयर करता हूं ताकि आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा कि लुक ये है पहला चैप्टर, ये रहेंगे आपके नोट्स. पहले चैप्टर के आपके नोट्स हैं ये, आपको इतना ही पढ़ना है. कितने पेजेस हैं ये? 1, 2,
तीन चार पांच छ सात। सेवन पेजेस में आपको मेरे साथ पूरा पूरा पढ़ना है। समझ में आ रहा है? गुड। नाउ व्हाट इज एन ऑडिट? ये चालू यहां से होता है। अब आपके बैकग्राउंड तो क्लियर करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि बैकग्राउंड तो आपकी ऑलरेडी क्लियर है। सो हमने कहा था ऑडिट एक सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। किसका? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द एंटिटी का, चाहे वो प्रॉफिट के लिए है या नहीं है, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म। व्हेन सच एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड इन अ व्यू टू एक्सप्रेस ओपिनियन देयर ऑन। तो हम ये अच्छे से जानते हैं कि व्हाट इज ऑडिट? सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है अनबायस्ड, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है इम्पार्शियल, अनबायस्ड, इम्पार्शियल। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब होता है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। तो हमने कहा चाहे एनजीओ हो या सेक्शन एट कंपनी हो या कमर्शियल कंपनी हो, आपको तो ऑडिट करवाना ही पड़ेगा। चाहे आप छोटे हो, चाहे आप बड़े हो, चाहे आप प्रोप्राइटर हो, चाहे आप पब्लिक हो, चाहे आप प्राइवेट हो, ऑडिट तो आपको करवाना पड़ेगा। व्हेन सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद व्यू टू एक्सप्रेस ओपिनियन देयर ऑन। और ओपिनियन को हम जानते हैं कि ये क्या होता है, पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ये भी हमें मालूम है कि ओपिनियन चार तरीके के होते हैं और हमने ओपिनियन चार तरीके के देखे हैं, क्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड, डिस्क्लेमर एंड एडवर्स। इज दैट क्लियर? तो भाई साहब, अगर हमसे अब ये डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि ऑडिट क्या है, तो सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है किसका? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। क्यों? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसकी? किसी भी एंटिटी की। कौन सी एंटिटी? जिसका लीगल साइज कुछ भी हो, जिसका बिजनेस साइज कुछ भी हो, जो प्रॉफिट कमाने के लिए बनी हो या प्रॉफिट छोड़ने के लिए बनी हो, हम उसका ऑडिट तो होगा ही होगा। ऑडिट मस्ट बी देयर। तो ये तो हमने बहुत क्लियरली समझ लिया था कि व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। इसके ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट और ये जो है इसके फ्लो चार्ट जो अपन ने बनाए थे पिछली बार कॉपी में, मैं उन फ्लो चार्ट को एक बार फिर आपको दूंगा। आपके नोट्स में वो सारी चीजें वहां जुड़ेंगी। आपको ऐप की एक्सेस मिलेगी, उस ऐप पर आपके सारे नोट जुड़ेंगे, उसमें फ्लो चार्ट भी जुड़ेंगे। फ्लो चार्ट आपने बना रखे आपकी कॉपी में पहले से। तो हमने पूरे ऑडिट में, अब इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि डेफिनेशन क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि इस डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आना क्या है। हमारी अप्रोच एग्जाम ओरिएंटेड होगी कैसे? सर ये जो क्वेश्चन है इसमें वो आपसे इंडिपेंडेंस चैलेंज करने वाला कोई भी सिचुएशन देकर आपको इस डेफिनेशन को लिखने के लिए बाध्य कर सकता है। वो ये बोल सकता है कि नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ऑडिट करना भी जरूरी है, तो आप बोलोगे ना बाबू, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ही ऑडिट होता है। वो यहां मार सकता है कि प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं है या प्रॉफिट ओरिएंटेड है, तो आप क्या करोगे? वो यहां मार सकता है कि छोटी फर्म है, बड़ी फर्म नहीं है, ऑडिट मत करवाओ। वो ये बोल सकता है कि ऑडिटर सर्टिफिकेट देता है, मतलब वो आपके कंसेप्ट्स को इतनी जगह चैलेंज कर सकता है।
पहला कंसेप्ट को वो चैलेंज करेगा इंडिपेंडेंस पे, दूसरा कंसेप्ट वो चैलेंज करेगा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जिसको ऑडिट करना है, तीसरा आपको अवेलेबल करेगा वो कि आप प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या नहीं हो, चौथा वो आपको चैलेंज करेगा साइज को लेकर, पांचवा वो आपको चैलेंज करेगा लीगल फॉर्म को लेकर, और छठा वो आपको चैलेंज करेगा कि हम सर्टिफिकेट देंगे तो आपको ये कहना है कि बाबू सर्टिफिकेट नहीं ओपिनियन देते हैं, क्योंकि सर्टिफिकेट में तो होता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट। इज दैट क्लियर? तो अब अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है, कोई भी केस ऐसा बनकर आ जाता है जिस केस के अंदर वो आपको इंडिपेंडेंस को चैलेंज करे या एक मिनट इंडिपेंडेंस को चैलेंज करे या चैलेंज करता है जस्ट इंडिपेंडेंस को चैलेंज करे या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चैलेंज करे या प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट को चैलेंज करे या साइज और लीगल फॉर्म को चैलेंज करे या फिर वो एक्सप्रेशन ऑफ एन ओपिनियन को चैलेंज करे, आपको पांच से छठी जगह वो चैलेंज नहीं कर सकते। जिस जिस क्वेश्चन में इंडिपेंडेंस जो है कॉम्प्रोमाइज्ड मिलेगी, वहां वहां आपको ऑडिट की डेफिनेशन को यूज करते आना चाहिए। इज दैट क्लियर? गुड। ये क्वेश्चन मैंने वैसे भी गुड मॉर्निंग में डाल के रखा हुआ है। कौन से दो क्वेश्चन? एक तो ये वाला और एक ये वाला, और ये आज भी गुड मॉर्निंग में ही रहेंगे। इन क्वेश्चन के आने के चांसेस ही बहुत कम है, लेकिन अगर आ गए सुबह पढ़ेंगे, दोपहर में जाएंगे लिख कर आएंगे और भूल जाएंगे। ये दोनों क्वेश्चन पगले टाइप के क्वेश्चन है कि एक ऑडिटर जब ये ओपिनियन एक्सप्रेस करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग नहीं है, तो ऑडिटर क्या क्या देखता है? भैया हम देखते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो एंट्री की गई है उनका रेफरेंस क्या है, क्या उनके साथ सपोर्टिंग लगी है। पहली बात तो बुक्स में जो भी लिखा है वो एंट्रीज के थ्रू आया है। दूसरी बात, एंट्रीज की सपोर्टिंग के अंदर चीजें हैं, एप्रोप्रिएट एविडेंस है, कोई भी एंट्री ओमिट नहीं हुई है, कोई भी एंट्री गलत नहीं गई है, अनएम्बिग्यूअस है, अमाउंट प्रॉपरली क्लासिफाइड है, डिस्क्राइब्ड है, प्रेजेंटेड है, डिस्क्लोज्ड है और ट्रू एंड फेयर भी दे रही है। अब इतनी चीजें अगर अपन सुबह 9 बजे या 10 बजे पढ़ते हैं तो 11 बजे तक आराम से याद रहती है, क्योंकि हम बॉइलिंग टेम्परेचर पे पढ़ रहे होते हैं। तो इसलिए ये उतना इम्पोर्टेंट मुझे लगता नहीं है, पर ठीक है, गुड मॉर्निंग 1 में हम डाल सकते हैं और गुड मॉर्निंग 2 पे हम डाल सकते हैं, तो दे विल बिकम गुड मॉर्निंग क्वेश्चन नंबर 1, गुड मॉर्निंग क्वेश्चन नंबर 2। ओके, इसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट क्या होता है। तो हमने स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 200, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ द ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। उसके हिसाब से ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से हमने पढ़ा था कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो हमने पढ़ा था, हे ऑडिटर तू जरा रीजनेबल अश्योरेंस ले कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल फ्री है किससे मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर, ताकि तू एक रीजनेबल अश्योरेंस दे सके कि और एक ओपिनियन बना सके कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जितने मटेरियल रिस्पेक्ट में है वो FRF के अकॉर्डिंगली बनाए गए हैं, और तू रिपोर्ट कर सके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इन अकॉर्डेंस विद योर फाइंडिंग्स एंड कम्युनिकेटिंग द रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। आपके पास जो चार्ट बना हुआ है वो ज्यादा प्रॉपर है, ये तो ठीक है, रिवाइज करने के लिए अपने को चाहिए। अभी मैं इनकी एडिटिंग भी करूंगा, आज इसकी एडिटिंग करके आपके साथ शेयर करूंगा। अब एक मिनट, अपन ने क्या पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, ऑप्टेनिंग रीजनेबल अश्योरेंस,
हमारा ऑब्जेक्टिव हमने क्या पढ़ा हुआ है? ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस। रीजनेबल अश्योरेंस का मतलब होता है हाई बट नॉट एब्सोल्यूट अश्योरेंस। पढ़ा था अपन ने हाई बट नॉट एब्सोल्यूट अश्योरेंस। एब्सोल्यूट अश्योरेंस तो अपन दे ही नहीं सकते क्योंकि हम इन्वेस्टिगेटर थोड़ी। एब्सोल्यूट अश्योरेंस तो हमसे दिया ही नहीं जा पाएगा। हम एक रीजनेबल अश्योरेंस देंगे क्योंकि ये ऑडिट है। और इससे नीचे एक लेवल आता है जिसे हम कहते हैं रिव्यू, जिसके अंदर हम देते हैं मॉडरेट लेवल का अश्योरेंस। तो यहां जो अश्योरेंस हम दे रहे हैं वो कौन सा अश्योरेंस दे रहे हैं? रीजनेबल अश्योरेंस दे रहे हैं। किस बात का रीजनेबल अश्योरेंस दे रहे हैं? दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री है। आप सबको मालूम है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट अगर जानबूझकर किया गया होगा तो फ्रॉड से आएगा, और अनजाने में हुआ होगा तो एरर से आएगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट आइदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। मटेरियल का मतलब आपको मालूम है, दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट। मटेरियल का मतलब आपको मालूम है, दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट। तो हम कहाँ थे? हम बहुत क्लियर थे। हम पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर। क्लियर है ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर क्या है? सर ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर है टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर। क्यों कर रहे हो ये रीजनेबल अश्योरेंस? क्योंकि मुझे इस अश्योरेंस को प्राप्त करने के बाद ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। सो एज टू एक्सप्रेस द ओपिनियन। ओपिनियन क्या एक्सप्रेस करना है? दैट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आर कंप्लाइंग विद FRF। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आर कंप्लाइंग विद इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट दे आर कंप्लाइंग विद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। आपको याद आना चाहिए कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या था। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के बारे में मैंने आपको बताया था, फ्रेमवर्क विच इज अडॉप्टेड बाय मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज इन अकॉर्डेंस विद नीड और ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट। याद करो अपनी FRF की डेफिनेशन। FRF की डेफिनेशन अपनी कॉपी में जाकर के देखोगे आपको मिलेगा। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज अ फ्रेमवर्क विच इज अडॉप्टेड बाय मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस फॉर व्हाट? फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हेलो, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्यों? So as to conclude and give opinion that financial statements are prepared in accordance with financial reporting framework. Financial reporting framework क्या था? Framework which is adopted by management and those charged with governance in accordance with need and objective of financial reporting or लेजिस्लेशन गवर्निंग दी एंटिटी। शेड्यूल 3 ने अगर आके कह दिया बैलेंस शीट ऐसी बनेगी तो वैसी बनेगी। शेड्यूल 3 ने अगर आके कह दिया कि इतने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगेंगे तो बिल्कुल लगेंगे। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर क्या है। तो सर ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर है टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट सो एज टू एनेबल entity so as to enable the auditor to express an opinion that financial statements are complying with FRF. क्योंकि आपने misstatement की definition भी पढ़ रखी है। misstatement की definition हम सब ने पढ़ी थी, और misstatement की definition ये थी that difference in amount, classification, presentation and disclosure. क्या बोला था? difference in amount, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर एज रिक्वायर्ड बाय FRF एंड एज डन बाय द मैनेजमेंट इन देयर नॉर्मल कोर्स।
अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं तो एफआरएफ रिक्वायर करता है, नहीं करें हैं तो मिस स्टेटमेंट है, जानबूझ के नहीं करें फ्रॉड है, अनजाने में करें हैं एरर है। हेलो, ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया? व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट? आखिरी बार बोलते हैं, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, देयर बाय इनेबलिंग द ऑडिटर टू एक्सप्रेस हिज कंक्लूजन एंड ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट दे हैव बीन प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड उसके बाद रिपोर्ट एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, उसमें आपको रिपोर्ट करनी। इज दैट क्लियर? अब इतना पढ़ने के बाद इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि ये हमको चैलेंज क्या करेगा, व्हाट विल बी द फंडामेंटल चैलेंजेस इन दिस क्वेश्चन। ये बोलेगा कि ऑडिटर को लेना चाहिए एब्सोल्यूट अश्योरेंस, तो एक चैलेंज तो ये करेगा कि आपको क्या लेना चाहिए एब्सोल्यूट अश्योरेंस, तो वो एब्सोल्यूट है ही नहीं। हेलो, दूसरा वो ये बोलेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल, इन ऑल मटेरियल हटा के कह देगा रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद एफआरएफ, मतलब एफआरएफ का 100% एब्सोल्यूट पालन होना चाहिए ना, मटेरियल रिस्पेक्ट, जितने आइटम मटेरियल हैं उनके रिस्पेक्ट में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉलो हुआ या नहीं, पहला चैलेंज ये कर सकता है, दूसरा चैलेंज ये कर सकता है, एंड देन तीसरा टू रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद ऑडिट फाइंडिंग्स एंड रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। यहाँ पे वो काट के लिख सकता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यहाँ लिख सकता है SQC, बहुत सारी चीजें लिख सकता है। हेलो, ही कैन राइट SQC, ही कैन राइट AS, लेकिन आपको ध्यान रखना है इन अकॉर्डेंस स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। इज दैट क्लियर? याद आ गया वापस? हेलो, अरे याद आया कि नहीं? आ गया याद? वेरी गुड। तो ये था ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर एंड देन आया स्कोप ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर, इसके बाद आया स्कोप ऑफ ऑडिट क्या है। सर, स्कोप ऑफ ऑडिट में क्या क्या आएगा? तो दो चीजें आएंगी, एक आएगा इंक्लूजन, एक आएगा एक्सक्लूजन। याद करो, एक आएगा इंक्लूजन और एक आएगा एक्सक्लूजन। इंक्लूजन में क्या आएगा और एक्सक्लूजन में क्या आएगा, जरा अपन ने अपना चार्ट बनाया था नए के हिसाब से, पुराने के हिसाब से नहीं, नए के हिसाब से हमने इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का चार्ट बनाया था। मैं आपको नए के हिसाब से चार्ट बताता हूं। व्हाट इज टू बी इंक्लूडेड एंड व्हाट इज टू बी एक्सक्लूडेड, वो बात हमने की हुई है। ये रहा स्कोप ऑफ ऑडिट, फ्रेमवर्क विद इन विच ऑडिटर हैज टू परफॉर्म हिज वर्क इज नोन एज व्हाट, स्कोप, फ्रेमवर्क विद इन विच ऑडिटर हैज टू परफॉर्म हिज वर्क इज नोन एज व्हाट, स्कोप। स्कोप में दो चीजें हैं, इट इंक्लूड्स एंड इट एक्सक्लूड्स। इंक्लूजन में आपके पास तीन चीजें हैं और एक्सक्लूजन में आपके पास दो चीजें हैं। इंक्लूजन में यह है कि ऑडिटर जब ऑडिट कर रहा है तो उसे सारे एस्पेक्ट्स कवर करना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एंटिटी एंड इट्स बिजनेस के, कोई एस्पेक्ट छूट ना जाए, आपको फंडामेंटली चैलेंज किया जा सकता है।
कि ऑडिटर ने ऑडिट प्लान बनाया और कुछ चीजें उससे प्लान में लेने से छूट गई। भाई ऑडिटर के स्कोप में है कि उससे क्या करना है, सारे एस्पेक्ट्स को अपने ऑडिट के अंदर क्या करना है, कवर करना है। तो जब सारे एस्पेक्ट्स को ऑडिट के अंदर कवर करना है तो कुछ भी चीजें छूटना नहीं चाहिए। जो चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आई हैं उनकी रिलायबिलिटी और सफिशियंसी चेक करना है। रिलायबिलिटी और सफिशियंसी का मतलब होता है ट्रूथफुलनेस, एंड वो प्रॉपरली प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज है कि नहीं उसके लिए देखना होती है फेयरनेस। तो एक होती है ट्रूथफुलनेस, दूसरी होती है फेयरनेस। ट्रूथफुलनेस में कितनी चीजें आती हैं, इवैल्यूएटिंग एंड असेसिंग द अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल एंड अप्लाइंग द अदर टेस्ट। एक मिनट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आप ऑडिट कर रहे हो, आपको ओपिनियन देना है कि दे आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। इसका मतलब है दे शुड बी फ्री फ्रॉम एनी फ्रॉड एंड एरर। इसका मतलब है दे शुड गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, यानी ट्रू व्यू कहां से आएगा सर? ट्रू व्यू आएगा जब आप सारे, एक मिनट, आपका स्कोप आएगा। ट्रू व्यू कैसे आएगा? ट्रू व्यू आएगा जब जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने दी है वो रिलायबल हो और सफिशियंट हो। अब रिलायबिलिटी और सफिशियंसी कैसे चेक करूंगा? पहले तो अकाउंटिंग सिस्टम चेक करूंगा, उसके बाद इंटरनल कंट्रोल चेक करूंगा। अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल चेक करने के बाद मैं अदर ऑडिट की टेस्ट लगाऊंगा जिससे मेरे ओपिनियन क्या दिखेगा, ट्रू। फेयर व्यू कहां से लाऊंगा? सर फेयर व्यू लाने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर है कि नहीं। अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर के लिए मेरे को देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट ने जो जजमेंट लिए वो प्रॉपरली है या नहीं। मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में तीन टाइप के जजमेंट देता है, एक अकाउंटिंग पॉलिसी का सिलेक्शन, एक अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का एस्टिमेशन, और तीसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बुक्स ऑफ अकाउंट से चेक एक बार चेक करना। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बेटा हम पढ़ क्या रहे हैं? ऑडिटर का स्कोप। स्कोप का मतलब क्या होता है? फ्रेमवर्क विद इन विच ऑडिटर हैज टू वर्क। हमने कहा ऑडिटर तेरे को काम करना है। ऑडिटर ने बोला भैया क्या क्या काम करना है? भाई एक काम कर, पहले तो तू है ना रिलायबिलिटी, पहले तो तू ऑल एस्पेक्ट्स कवर कर ले। दूसरा तू रिलायबिलिटी एंड सफिशियंसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख ले। तीसरा तू प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख ले। रिलायबिलिटी एंड सफिशियंसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तेरे को क्या देखना है? अकाउंटिंग पॉलिसी चेक कर ले, नहीं इंटरनल कंट्रोल चेक कर ले, अकाउंटिंग सिस्टम चेक कर ले। तो यहां तो तू क्या कर, अकाउंटिंग सिस्टम देख ले, इंटरनल कंट्रोल देख ले, और क्या देखने का बोला इसको अपन ने? इसके अलावा व्हाट एल्स? ये रहा, एंड अप्लाई दे अदर टेस्ट, अदर टेस्ट भी लगा ले। और यहां हमने का प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देख ले, ये देख ले कि मैनेजमेंट के जजमेंट अबाउट अकाउंटिंग पॉलिसी सही है कि नहीं, मैनेजमेंट का जजमेंट अबाउट अकाउंटिंग एस्टीमेट सही है कि नहीं, मैनेजमेंट ने जो अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स बनाए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट उससे मैच भी हो रहे हैं या नहीं। और सुन, तू बिल्कुल ऐसी ड्यूटी परफॉर्म मत करना जो तेरे स्कोप के बाहर गिरती है। ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म द ड्यूटीज विच आर फॉलिंग आउटसाइड हिज कॉम्पिटेंस। जिसमें सबसे पहले तो है ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। तू कोई नहीं होता है ये देखने वाला कि ये डॉक्यूमेंट जाली है कि असली है। यू आर नॉट एन इन्वेस्टिगेटर के जाकर रात को 2 बजे कहीं छापा मार देगा। तुम्हारे पास ना कोई लीगल पावर है ना सर्च और सीजर तुम कर सकते हो। तो कृपया ऐसा काम ना करें जो आपके स्कोप के बाहर हो, और आप एक्सपर्ट भी नहीं हो। हीरे हीरे का क्लोजिंग स्टॉक है तो जेमोलॉजिस्ट को बुलाओ, उससे बात करो, उसके कंफर्मेशन लो। अपनी अकल ना भिड़ाओ बंधु, तुम्हारे स्कोप में ही वो क्या है, नहीं है तो तुम भूल जाओ। अब अगर अपन स्कोप की बात कर रहे हैं तो मैंने अभी आपको जो पढ़ाया उसके अंदर भी स्कोप यही है।
अब आपको चार्ट से बाहर जब निकलोगे तो आपको पड़ेगा कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ, कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी, रिलायबिलिटी और सफिशियंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखो बाय मेकिंग स्टडी एंड असेसमेंट ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल, फिर प्रॉपरली प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड है कि नहीं, इसके लिए देखो कि समराइज किए गए हैं ट्रांजेक्शन इवेंट्स, मैनेजमेंट जो अकाउंटिंग पॉलिसी ली गई हैं वो अकाउंटिंग पॉलिसी सही ली गई हैं या नहीं, और जितने अकाउंटिंग एस्टिमेट्स लिए गए हैं वो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स प्रॉपर हैं या नहीं, कंसिस्टेंटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एंटिटी प्रिपेयर्ड इन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बेसिस, वो हमको देखना है। ऑडिटर के इसमें से एक्सक्लूड है उन ड्यूटीज को करने की जरूरत नहीं है जिसमें आती है ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इन्वेस्टिगेटर आप नहीं हो, और इन्वेस्टिगेशन से अलग है क्रिटिकल एग्जामिनेशन है, और ब्रॉड वेरियस स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज नैरो। अब ये दो पॉइंट जो हैं ये इन्वेस्टिगेशन को काउंटर करने के लिए हैं, ये स्कोप के अंदर आने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल इफ इट कम्स इन स्कोप वी विल टॉक अबाउट दैट। अब आपको फंडामेंटली यहाँ कैसे चैलेंज करेगा वो, या तो डायरेक्ट पूछ लेगा स्कोप बताओ, या वो अगर डायरेक्ट नहीं पूछता है कि स्कोप क्या है तो वो क्या करेगा, अगर वो डायरेक्टली आपसे ये नहीं पूछता है कि स्कोप क्या है तो वो आपको कैसे चैलेंज कर सकता है। वो एक केस स्टडी बना के दे सकता है कि ऑडिटर ने फिक्स डिपॉजिट तो देखी लेकिन ऑडिटर इस बात को देखने में असफल रहा कि वो फिक्स डिपॉजिट असली थी कि नकली थी। भाई असली नकली के खेल में तुम ऑडिटर को मत घसीटो, ऑडिटर इस बात का एक्सपर्ट नहीं है कि डॉक्यूमेंट असली है या नकली है, ये उसके स्कोप में है ही नहीं। आपसे वो ये पूछ सकते हैं कि एक ऑडिटर को अपॉइंट ही इसलिए किया गया क्योंकि उसे इन्वेस्टिगेशन करना था कि भाई फ्रॉड हुआ है या नहीं, तो हम बोलेंगे जब इन्वेस्टिगेशन ही करना है कि फ्रॉड हुआ है या नहीं तो उसे ऑडिट ना बोले, वो क्या है इन्वेस्टिगेशन है, यू नीड टू गो विद दैट इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन कहा जाएगा उसको। इज दैट क्लियर? तीसरा क्वेश्चन आपको चैलेंज किया जा सकता है कि ऑडिटर को तो ऑडिटर का स्कोप तो सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स तक सीमित है, तब आप बोलोगे भाई साहब ऑडिटर का बुक्स ऑफ अकाउंट्स तक सीमित नहीं है, बुक्स ऑफ अकाउंट से बाहर भी है, सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी सही है कि नहीं, अकाउंटिंग एस्टिमेट सही है कि नहीं, इंटरनल कंट्रोल सही है कि नहीं, ये सब भी ऑडिटर के स्कोप में आता है। वो आपको बार बार चैलेंज करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ के, इस बार आपको इतना तो पता चल गया कि रट्टू तोता होने से तो कुछ हो नहीं पाएगा, और मैं आपको बोल रहा था फंडामेंटली जब तक आप सॉलिड नहीं होंगे मेंटल मेंटल घूमेंगे अपन, वी नीड टू बी सॉलिड फंडामेंटली, हमको सॉलिड होना बहुत जरूरी है दोस्त। तो स्कोप ऑफ ऑडिट में क्या इंक्लूड होता है और क्या एक्सक्लूड होता है ये आपको देखना है। आज मैं यहीं पर इस बैच को रोक रहा हूं क्योंकि अभी कई बच्चे तो पहला दिन करके आए ही नहीं है। मेरा आज का होमवर्क लेकर के जाओ, पहला मुझे ऑडिट की डेफिनेशन पूरी पड़ी हुई चाहिए, दूसरा मुझे ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट पूरा पड़ा हुआ चाहिए, और तीसरा मुझे पड़ा हुआ चाहिए स्कोप ऑफ ऑडिट, ऑडिट की डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट और स्कोप ऑफ ऑडिट, ये तीनों स्टडी मॉड्यूल से पढ़े हुए चाहिए। आई नीड यू शुड लर्न इट फ्रॉम स्टडी मॉड्यूल। मेरे नोट्स तो मैं भेजूंगा आपको थोड़ा एडिट करके, और आपके पास वो वाले नोट्स तो पहले से हैं कॉपी वाले, वो भी आपके पास आ जाएंगे,
अच्छा, जो बच्चे नए ज्वाइन हुए हैं जिनके पास कॉपी नहीं है, उनके पास कॉपी वाले नोट्स भेज दिए जाएंगे, आप उसकी चिंता बिल्कुल छोड़ दो। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप आज इन तीन क्वेश्चन पर काम करो, ताकि मैं कल आते ही इन तीन क्वेश्चंस पे पहले क्वेश्चन करवा दूं, उसके बाद मैं आगे के टॉपिक को कंप्लीट करूं। परसों तक अपन ये टॉपिक कंप्लीट करके बाहर फेंक देंगे, परसों तक ये चैप्टर आउट हो जाना चाहिए। गॉट इट? तो ये तीन चीजें आज आप देख लो, आज अपन बैच यहीं खत्म कर रहे हैं, कल से अपन चालू कर रहे हैं। मार्क करके रख लेना, 30 दिन के अंदर अपने को इसको खत्म करना है, और फटाफट अपन खत्म करेंगे विथ ऑल क्वेश्चंस एंड आंसर्स। गॉट इट? चलिए बाकी की बातें करते हैं कल। कल